खोली। वो तमाशा मत करो, घर चलो। अंदर मर रहे हैं, आपको ये तमाशा लग रहा है? रो रही थी तुम उसके मरने पर। मरा नहीं है वो। अपने आंसू जो है ना, ये बचा के रखो, उसके मरने पे बहा लेना। वो नहीं मर सकता। मरेगा तो वो जरूर। इस बार मैं जीतूंगा, और फिर मेरी नहीं बल्कि उसकी भी हर चीज पे मेरा कब्जा होगा। आप वैसे ही सब कुछ रखें। जब मैं हक से कोई चीज हासिल कर सकता हूं तो भीख में क्यों नहीं? हाँ, उसके मरने के बाद वैसे ही उसका सब कुछ खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। मरने वालों की चीजों पर किसी का हक नहीं होता। उन्हें खैरात कर देते हैं। खैरात में तो मुझे खजाने भी मिले ना, तो मैं उसको भी आग लगा दूं। हासिल तो मैं पूरे हक से करके रहूंगा। तुम बस उसके मरने का इंतजार करो। हाय, थक गई खैरात कर करके, हाथ ही कैसे हो गए? कैसे गोलियां लगी उसे? क्या हुआ जारून को? अरे धूप में भागती गया, ये पसीने की बू में लिप गया। हट जरा, हट हट। अम्मा बताए ना जारून की कोई खैर खबर? हाँ, 5 गोलियां लगी, तेरे भैया ने नहीं बताया? और एक बात तो बता, जब साहिर के लिए पता चला था कि उसको गोली लगी है तो तेरे नौकर ने बताया तेरा ब्लड प्रेशर हाई है। अब जारून के नाम पे तेरा प्रेशर कहाँ गया? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कभी भी जारून और साहिर में फर्क नहीं किया, लेकिन जारून मेरे मरे हुए भाई की निशानी है, इसलिए उसकी जरा ज्यादा फिक्र रहती है मुझे। ओए होए, एक तो तू और तेरे भाई को मरे हुए भाई की इतनी फिक्र है, उसकी वजह से कल साहिर को थप्पड़ पड़ा है। अम्मा आपको एक थप्पड़ और 5 गोलियों में फर्क नजर नहीं आता? इसीलिए तो साहिर के नाम का सदका कर रही थी। शुक्र है हम लोग सदका खैरात करने वाले लोग हैं, इसीलिए थप्पड़ पड़े बड़ा खेले। वरना देख कैसा उस फरंगी को मौत ने हाथ पहुंचा है। जिस फरंगी की आप बात कर रही हैं ना, वो इस खानदान का खून है। आपको याद नहीं कि फैजान भाई हमसे कितना प्यार करते थे? हाँ हाँ याद है, ये फैजान की औलाद नहीं है, हशमत भाई साहब का पोता है। अम्मा खुदा के लिए भूल जाए उस जुल्म को, उस मासूम को देखे, उसके लिए दुआ करें आप। अरे खुदा ने जिंदगी देनी होगी ना तो ऐसे ही देगा जैसे उसकी पैदाइश पर दी थी। वरना वक्त से 2 महीने पहले पैदा होने वाला बच्चा कभी बचता है, जिसके न माँ न बाप, उसी तरह अब भी बच्चा है। उस वक्त किनारा थी उसके साथ, और किनारा को भी तो एक औलाद की जरूरत थी ना, उसके प्यार की जरूरत थी ना उसे। किनारा तो अब भी जिंदा है, कर ले दुआ। हम कोई ऐसी दुआ मांग कर अल्लाह को उलझन में नहीं डालना चाहते। हेलो, देखो मेंटकी को भी जुकाम हो गया क्या? बेचारी कमर तो पहले ही टूट गई थी, अब लात की भी गई। एक बार टूट जाए ना
आपके मुकम्मल झुकी ना लाठी। हेलो दानिश, दूर नहीं गए हो तो वापस आओ। हाँ, किनारा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाओ, आओ वापस। देखा साहिल जी आपने, आपके लिए तो बेड से उठा तक नहीं जा रहा था और अब देखें। उठिए अम्मा। दे जा बेटा, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, अल्लाह तुझे सुहागन करे, अल्लाह तुझे बड़ी जिंदगी दे। जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए। कौन बेटा? जो मुझे जिंदगी दे। जा बेटा, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह उसे जिंदगी दे, अल्लाह तुझे आबाद करे। मामू कहाँ? दवाइयां लेने। अंदर मत जाओ, डॉक्टर ने तो। जारून कैसा? बहुत कमीना है यार। क्या मतलब? ब्रेन एक्टिव है, लेटे लेटे सब सुन रहा है, तो किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना ही बॉडी भी रिस्पॉन्स कर रही है। अगले चंद घंटों में होश नहीं आया तो फिर आप लोग प्लीज कोई ऐसी टेंशन वाली बात ना होने दीजिएगा। हौसला करें, आपके आंसू जारून को तकलीफ देंगे। मम्मी आप खुद तकलीफ में है, अगर आपको कुछ हो गया तो इन्हें भी समंदर में फेंक देंगे। वहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ आपका चेहरा खा जाएंगे, जैसे आपकी मां का खाया था। नूर, ना आपकी मां को किसी ने बचाया, ना आपके बाप को, तो आपको कौन बचाएगा? जारून निजामानी, आपको भी मरे जाना है और फिर आपके घर पर, आपकी माँ पर और आपकी हर शय पर, सिर्फ
और सिर्फ साहिर निजामानी का हक होगा। नूर प्लीज, और जिस शय पर उसका हक नहीं होगा ना, वो उसे जलाकर राख कर देगा। चलें जी, आप सब बाहर आ जाइए प्लीज, मरीज को तंग नहीं करें, सब बाहर आ जाएं। डॉक्टर्स ने कहा भी था कि वो सब सुन सकता है, आप पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। तो फिर क्या करती? कुछ भी कर लेती, बस दुआ कर लेती। दुआ? दुआएं उन्हें लगती कहां है? डॉक्टर है अभी तक? तुम अंदर क्या कर रहे थे? दारून कैसा है? कैसा है क्या हुआ है बताओ तो। अंदर जाके खुद देख लो। अब इतना भी जुलम नहीं हुआ कि तू अपनी तबीयत खराब कर रही है, ले पी ले, तबीयत बेहतर हो जाएगी। दानिश का भी फोन नहीं आया अभी तक। कर लेगा, अभी परेशान होगा कि नारा को संभालेगा या तेरा फोन सुनेगा। भाई, भाई को फोन किया आपने? अरे सुलेमान की तकलीफ का तो सोच सोच कर मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों, उनको क्या हुआ? वो भी तेरी तरह है, जारून को कील भी चुभ जाए तो उसके दिल में तीर की तरह कटती, और कहा पांच पांच गोलियां। अम्मा, आप ऐसी बातें किस तरह से कर लेती हैं? आपको जरा सा भी रहम नहीं आता, जरा सी भी तकलीफ नहीं होती आपको? जिसे तकलीफ है ना, वो है ना वहां, उसने माँ बन के पाला है उसे, तो वो तो जाएगी ना। अरे जिसे माँ बनकर जना था उसके लिए तो सारी रात करवट नहीं बदली गई उससे, और देख कैसी टूटी हुई कमर लेकर रगड़ती हुई गई है। मां, साहिर के लिए आप लोग थे लेकिन वो अकेला। आजता बाजी, आप नहीं समझेगी, आपको पता भी है ये मामला कुछ और है। साहिर की बीवी भी उसी अस्पताल में है, बैठी होगी पट्टी पकड़ के। तो क्या करे कुबरा, वो तुमने साहिर की तरबियत ही ऐसी की है, एक लड़की की बर्दाश्त की हद होती है। कहना क्या चाह रही है तो? क्या कमी है मेरे पोते की तबीयत में? अपनी बीवी को मारता है वो, ये कमी है उसकी तबीयत में, और अम्मा ये ज्यादती है ज्यादती। ये सब आपसे कहा किसने है? मुझसे कौन कहेगा, मैंने इस घर में कोई मुखबर नहीं छोड़े हुए तुम्हारी तरह। नूर ने कहा तो उस दिन वो माँ ये कहकर आई थी कि साहिर उस पर हाथ उठाता है, इसीलिए तो वो अस्पताल नहीं आई थी सीधे। कैसा होगा, किस हाल में होगा वहां पे? कैसा है, कोई नाराजगी है? ना फोन उठा रहा है, खामोशी से जिनकी टाइमिंग चेंज कर ली, और अभी अटैक।
क्या हो गया है यार, क्यों परेशान कर रहा है सबको? इन्हें क्यों उठाया? ये हादसा कैसे हुआ है? हादसे में सीने में वार नहीं करते। फिर वो मेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे? कौन कौन तुम्हारी ताक में थे? तो में नहीं थे, सामने आ गए थे। गाड़ी रोक कर चेहरा पहचान कर फिर फायर खोला। किसने? क्या तुम्हें पता है वो कौन लोग थे? लेकिन पता है मुझे किसने भेजा था। साहिर